नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जंगल के निजामाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात शराबी पति ने शराब पीने के लिए पत्नी से रुपया मांगा। जब पत्नी ने रुपया देने से इनकार किया तो पति ने पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी और घर के दूसरे कमरे में जाकर सो गया। शुक्रवार की सुबह पड़ोस के लोग जब इस घटना की जानकारी हुई तो निजामाबाद पुलिस को फोन किया। हत्या की सूचना मिलते ही निजामाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मेहनगर थाना क्षेत्र के भटका सोपुर का रहने वाला सुरेंद्र प्रजापति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निजामाबाद क्षेत्र के शीतला धाम रोड के समीप पुरानी तहसील के अंदर रहता है। सुरेंद्र प्रजापति को शराब पीने की लत लगी हुई है, जिसके कारण सुरेंद्र प्रजापति अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए हमेशा रुपए मांगता था। जब पत्नी शराब पीने के लिए रुपया नहीं देती थी तो आए दिन उसकी पिटाई करता था। सर, निजामाबाद में आज एक घटना हुई जिसमें पति पर आरोप है कि पत्नी की हत्या कर दी है। देखिए, ये बिल्कुल आरोप ठीक है। एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वो किराए का मकान लेकर निजामाबाद में रहता था। उसकी ये दूसरी वाइफ थी और पहली और इसे शराब पीता था। शराब के नशे में इनमें कई दिन से झगड़ा चल रहा था और रात्रि में इसने उसका मुंह दबाकर, चाहे तकिए से दबाया हो चाहे हाथ से दबाया हो, उसे उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में सूचना भी प्राप्त हुई थी और वो सूचना सही पाई गई। अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल किया है। अच्छा सर, एक ये